ये है मेरा राइडिंग जैकेट, ये है ऑटर ग्लोव्स जो धूप से प्रोटेक्शन के लिए मैं पहनता हूँ। तभी हम टनल में इंटर कर रहे हैं नवीन का क्रश बोगदा। रातें सुरंग सी, बातें मलंग सी, सातारा से कराड़ हम बस पौन घंटे में पहुंच चुके हैं यहाँ पे। सही रास्ते में चलते चलते मैंने एक शायरी बनाई है, वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं हूँ मनीष बाने एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रॉक्स टूरिज्म। तो दोस्तों, आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया रहेगा कि आज हम राइड के लिए कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, ये आज तक की मेरी सबसे लंबी राइड होने वाली है, मुंबई से लेके कोल्हापुर तक। वैसे दोस्तों देखा जाए तो पिछली बार मैंने सापुतारा भी कंप्लीट किया था, पर सापुतारा जाने के बाद फिर से वापस आने तक मेरा कुछ तो 550 किलोमीटर तक की टोटल राइड हुई थी, पर ये राइड कुछ 850 किलोमीटर तक जाने वाली है। तो ये काफी मेरे लिए तो लंबी राइड ही होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस लंबी राइड पे बहुत ही मजा आने वाला है और हम राइड के दौरान क्या क्या करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए। और ये देखो दोस्तों, मेरी सारी राइड की तैयारियां हो चुकी है। ये देखो, ये है मेरा राइडिंग जैकेट, ये है ऑटर ग्लोव्स जो धूप से प्रोटेक्शन के लिए मैं पहनता हूँ। बाद में ये रहे मेरे ग्लोव्स, ये रहा मेरा हेलमेट, और ये मोटो लॉगिंग का सेटअप, और ये रही मेरी बैग। क्योंकि ये अपना वन नाइट स्टे होने वाला है इसलिए मैंने थोड़े कपड़े वगैरह मेरे पास में रखे। तो ये है मेरी बैग और ये रहे नीचे शूज। दोस्तों अभी हम फटाफट से रेडी होके नीचे आ चुके हैं और अभी सुबह के 4:15 हो चुके हैं। और ये देखो सुबह का माहौल, तो अभी काफ़ी अंधेरा है तो मोटो लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से हम जब खंडाला घाट तक पहुंच जाएंगे करीब 6:45 बजे तक, तब तो भी हम मोटो लॉगिंग चालू करेंगे फिर से। तो चलिए अभी राइड के लिए निकलते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वेलकम बैक दोस्तों, अभी हम खंडाला घाट में हैं और सुबह के बज चुके हैं 6:15। मैंने आपको निकलते वक्त ही कहा था 6:45 बजे तक हम खंडाला घाट में एंटर करेंगे, तो ठीक वैसा ही हुआ है। पर अभी तक कुछ भी उजाला नहीं हुआ तो इसलिए मैं आपको घाट के सीनिक व्यू नहीं दिखा सकता, पर कोई बात नहीं, आगे जाके हम अच्छे अच्छे व्यूज देखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तो इतने अच्छे खासे व्यू तो दिख नहीं रहे, तो मैं अभी आपको मेरा प्लान ही समझा देता हूँ कोल्हापुर राइड का। तो दोस्तों अभी मैं फिलहाल खंडाला पहुँच चुका हूँ, फिर इसके आगे मैं लोनावला जाऊँगा, फिर लोनावला क्रॉस करते ही फिर तलेगांव, कामशेत वो सारे सिटीज क्रॉस करके मैं पुणे जाऊंगा, फिर पुणे से सातारा होके कराड़ और फिर कोल्हापुर, ऐसा मेरा आज का रूट है। और वैसे कोल्हापुर तो हम और एक रूट से भी जा सकते हैं, पर वो थोड़ा लॉन्ग रूट होगा क्योंकि उसके लिए हम लोग को पेण होके जाना पड़ेगा, पेण महाड़ पोलादपुर महाबलेश्वर वो जो फाटा है वहाँ से होके फिर सातारा हाईवे को टच हो जाएंगे। तो वो थोड़ा लॉन्ग रूट हो जाता है, पर वो भी रूट काफ़ी अच्छा है क्योंकि वहाँ पे अम्बेनळी घाट लग जाता है हमें जाते वक्त, तो मुझे भी वो घाट एक्सपीरियंस करना है। अभी तक मैं वहाँ पे गया नहीं कभी अपना एरोक्स लेके, तो एक बार हम वो अम्बेनळी घाट भी ज़रूर करेंगे। पर आज इस टाइम भी हम लोग को एक अच्छा घाट मिलने वाला है, जैसे कि ये बोरघाट तो हो गया क्रॉस करके, और एक घाट मिलने वाला है आगे जाके खंबाट की घाट। तो ये खंबाट की घाट भी बहुत ही सुंदर है दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ऐसे ही अपनी जर्नी चालू रखते हैं और आप भी एंजॉय कर लो ये राइड। ऐसे साथ में कोई राइडर हो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है।
पर अभी तो फिलहाल मैं सोलो राइड ही करता हूँ। अभी तक मुझे ऐसा कुछ ग्रुप नहीं मिला है ज्वाइन करने के लिए। अगर इनकेस बाई चांस अगर आगे कुछ मिल जाता है तो अच्छी बात है। और ये सुबह सुबह ट्रक्स कंटेनर्स ओवरटेक करते हुए वैसे तो जिधर से हम ओवरटेक कर रहे हैं ये साइड अच्छी नहीं है ओवरटेकिंग के लिए। कभी भी राइट साइड से ही ओवरटेक करना चाहिए। पर ये कंटेनर भी ऐसे बीच बीच में घुस जाते हैं ना, तो ओवरटेक हमें रॉन्ग साइड से ही करना पड़ता है। पर अगर आप ओवरटेक कर रहे हो रॉन्ग साइड से तो भी संभाल के ही करना। और अभी हम खंडाला घाट के टॉप पे पहुंच चुके हैं, या आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो। वैसे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधेरा ही है पूरा, पर अभी हम खंडाला घाट में हैं फिलहाल। और यहाँ पे मैं एक बार रुका था जब मैंने लोनावला की राइड की थी, तो वो टाइम पे मैंने इस स्पॉट के बारे में भी समझाया था। अगर वो लोग देखा नहीं तो ऊपर देखना, आई बटन में उसका लिंक ज़रूर आ जाएगा। और जैसे ही लोनावला आ रहा है ना, वैसे ठंड और बढ़ती जा रही है। बस वो 8-8:30 बजे तक ही होगी, बाद में गर्मी तो चालू होगी क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न जो चालू हुआ है। और दोस्तों, इस कोल्हापुर सीरीज के मेरे हिसाब से तो 6 एपिसोड्स हो जाएंगे आराम से, क्योंकि मैं ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करके आया कि मैं इतने इतने एपिसोड्स बनाने वाला हूँ। पर मोटो लॉगिंग के साथ साथ हम कोल्हापुर के कुछ फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस भी विजिट करने वाले हैं, तो वो सारे मिला के 6-7 एपिसोड्स तो आराम से बन जाएंगे। तो आपको भी ऐसा बोर नहीं होना चाहिए ना कि खाली मैं मोटो लॉगिंग ही दिखा रहा हूँ और आप बस मेरे साथ घूम रहे हैं, इसलिए हिस्टोरिकल प्लेसेस भी घूमने वाला हूँ, तो आपको डबल मज़ा मिलेगा। और ये देखो दोस्तों, ऊपर से ये एक्सप्रेस जा रही है पुणे की ओर। बचपन में दोस्तों मैं एक्सप्रेस में बैठ के ये रोड देखता था, और आज देखो मैं रोड पे अपना एरोक्स चला के एक्सप्रेस को देख रहा हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आज का मेरा। और ये रही लोनावला सिटी। वेलकम टू लोनावला दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम वड़गांव आ चुके हैं और अभी टाइम हो चुका है 6:38। और ये देखो सुबह भी होने आई है अभी। और ये आसमान का कलर देखो दोस्तों, नीचे से डार्क ब्लू, थोड़ा ऊपर जाओगे तो ऑरेंज, उसके ऊपर येलो, और फिर उसके ऊपर स्काई ब्लू। ये काफी सुंदर दृश्य दिख रहा है दोस्तों। ऐसी सुबह ना दोस्तों बहुत सालों बाद देखे ऐसा लग रहा है मुझे। सामने देखो इतना सुंदर ये पुणे एक्सप्रेस वे, और ऊपर इतना अच्छा आसमान, और अपने इतने अच्छे बाइक राइड। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, 7:15 हो चुके हैं, पर नाश्ता करने का मन भी नहीं कर रहा है। भूख तो लगी है पर मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इतने अच्छे रोड और इतने अच्छे नज़ारे देख के ना इधर ही मेरा मन भरते ही जा रहा है। काफी मजा आ रहा है दोस्तों। और अभी यहाँ से सामने देखो तलेगांव है 4 किलोमीटर, बैंगलोर 7:30, पुणे 36 किलोमीटर। तो यहाँ से दोस्तों दो रास्ते जाते हैं तलेगांव से राइट मार के हम जाएंगे तो यही सीधा पुणे बैंगलोर एक्सप्रेस वे से चले जाएंगे, और अगर सीधा चले जाएंगे तो फिर पुणे सिटी से होते हुए जाएंगे। और ये देखो जो मैं टर्न की बात कर रहा था वो यही है, यही से सीधा आपको राइट लेके निकलना है। अगर आपने एरोस के परफॉर्मेंस का वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर चेकआउट कर लेना, चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आई बटन में जाके जरूर चेकआउट करो, क्योंकि उस पर आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार दिया है और 10,000+ व्यूज मेरे कंप्लीट हो चुके हैं इसकी वजह से। तो थैंक यू भाई लोग, आपके प्यार के वजह से ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो
तो बस मुझे ऐसा ही प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो और सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहो। पहली बार मैं इस रोड से ट्रैवल कर रहा हूँ। लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि सोलो ट्रैवल इतने दूर में जा पाऊंगा, और आज ये मौका मुझे मिला है तो काफी खुश हूँ मैं आज। और आपको ये मेरा मोटो लॉग अगर पसंद आ रहा होगा तो मुझे लाइक भी करो और मुझे कमेंट में भी बताओ कि मुझे कौन सी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, या फिर आपको जो मैं दिखा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है वो भी मुझे बता देना। दोस्तों ये देखो मेरे लेफ्ट साइड में कितना सुंदर सनराइज हुआ है। दोस्तों वेलकम टू पुणे। दोस्तों अभी हम पुणे आ चुके हैं, जस्ट मैंने शिवाजी नगर पीछे छोड़ा है और यहीं से सीधा हम सातारा के लिए निकल जाएंगे, उसके बाद कराड़ और उसके बाद अपना डेस्टिनेशन कोल्हापुर। तो मेरे सामने सनराइज, इतना सुंदर दिख रहा है सूरज। ऐसे लग रहे हैं हम सूरज के करीब जा रहे हैं। और अभी हम टनल में इंटर कर रहे हैं नवीन कात्रज बोगदा। रातें सुरंग सी, बातें मलंग सी, भारी उड़ान पे ही ना जाने क्यों, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अभी पेट में चूहे दौड़ने लगे है, भूख लगना चालू हुआ है और अभी मुझे लगता है एक ब्रेक तो लेना चाहिए। तो अभी मैंने अपना पहला ब्रेक लिया है नाश्ता करने के लिए। तो ये देखो, ये है मेरे पीछे पुणे बैंगलोर एक्सप्रेस वे, और यहाँ पे मैं रुका हूँ ऑस्करवाड़ी मिसल के यहाँ पे। तो चलिए जाके थोड़ा मिसल का टेस्ट करते हैं और फिर से अपने राइड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सातारा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। ये देखो मेरे सामने सातारी कंदी पेड़े, ये सातार के सबसे फेमस कंदी पेड़े है। और अभी टाइम हो चुका है 9:44, मतलब 5:15 लगे हमें सातारा में पहुंचने के लिए। दोस्तों वेलकम टू कराड़, अभी हम कराड़ पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:33, मतलब 10:30 बजे हम पहुंचे और निकले थे कुछ 10:46 को। तो मतलब सातारा से कराड़ हम बस 1.25 घंटे में पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो काफी अच्छा डिस्टेंस कवर किया है। और दोस्तों जैसे मैं अभी सातारा से कराड़ आया ना, ये कुछ 48 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और ये पूरे डिस्टेंस में मुझे खाली गन्ने के खेती नजर आ रहे थे, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी।
तो मतलब ये सातारागढ़ साइड में गन्ने की खेती बहुत ही होती है दोस्तों, और यहाँ पे चीनी के कारखाने भी बहुत दिखे मुझे, 2 या 3 चीनी कारखाने भी दिखे। लापुर जैसे ही हम क्रॉस करते हैं ना, उसके बाद फिर कागल गांव लगता है, और ये कागल गांव जैसे ही क्रॉस होता है ना, वैसे ही कर्नाटका बॉर्डर लगती है, और फिर निपाणी वगैरह वो कर्नाटकी जो शहर है वो सब लगना चालू हो जाता है। मतलब कोल्हापुर से हम बोल सकते हैं कि हार्डली कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर कुछ 50 किलोमीटर की दूरी पर ही रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही रास्ते में चलते चलते मैंने एक शायरी बनाई है, वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे, फेस करना तो अपना काम है। वाह 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 वाह, जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे, फेस करना तो अपना काम है। अरे लाइफ अपनी है, खुशी से जियो, अपने पे जलने वाले तो झंडू बाम है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये शायरी बकवास लगी या अच्छी लगी। तो अभी मैं कोल्हापुर पहुंच चुका हूँ, और ये रही पंचगंगा नदी कोल्हापुर की। तो आज ये अपना लॉग इधर ही खत्म करते हैं, और अभी टाइम हुआ है 11:30 बजे, मतलब हम मुंबई से निकले थे 4:30 बजे, 5:30, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, मतलब टोटल 7 आवर्स लगे हमें कोल्हापुर पहुंचने में। तो 7 घंटे में कोल्हापुर आप आराम से कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर ये लॉग आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे ही आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स में हम कोल्हापुर की एकदम फेमस जो जगह है वो सारे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए आने वाले नेक्स्ट लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।